बताया था आपको 11 बजे दो बड़ी स्टोरीज हम आपके सामने रखने वाले हैं। सदन का हंगामा आपने देख लिया है, अब एक और तस्वीर आपके सामने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो कि अब से कुछ ही देर बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन करेंगे और देश में पहली बार ऐसा होगा, पहली बार कि एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में फाइटर जेट्स हिस्सा लेंगे। उद्घाटन में 8 फाइटर जेट्स शामिल होंगे जिसमें 4 तो मिराज है, 4 सुखोई विमान है, बिना लैंडिंग के जमीन को टच करते हुए उड़ान भरेंगे। इमरजेंसी में एयरफोर्स इन हाईवे का इस्तेमाल लैंडिंग के लिए कर सकती है। एक पंथ दो काज। उनाव से जी मीडिया संवाददाता अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, कितना वक्त और इंतजार करना होगा इन तस्वीरों को देखने के लिए? बस अब थोड़ी देर बची हुई है, मुख्यमंत्री आ चुके हैं, मुलायम सिंह यादव आ चुके हैं, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, इसके अलावा तमाम जो गणमान्य अतिथि हैं वो इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब औपचारिकता जो है शुरुआत होनी है, इसका उद्घाटन होना है एक्सप्रेसवे का। पहले एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरी ये सड़क है 302 किलोमीटर आगरा से लेकर लखनऊ तक। केवल 22 महीनों में ये सड़क बनकर तैयार हुई है, एक्सेस कंट्रोल है इस सड़क पर, और इस सड़क पर ही अब से थोड़ी देर बाद ये वायुसेना के विमान करीब 0.5 दर्जन से ज़्यादा विमान यहाँ पर उतरेंगे और उतर कर दिखाएंगे हमारी सामरिक ताकत को, ये दिखाएंगे कि किस तरीके से इमरजेंसी हालात में यहाँ पर भी उनकी लैंडिंग कराई जा सकेगी। इस सड़क को खास तौर पर इस तरीके का बनाया गया है और इसीलिए इसका उद्घाटन होना है। समाजवादी पार्टी के लिए, उसकी सरकार के लिए एक बड़ी अचीवमेंट। बार बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कहते रहे हैं कि एक्सप्रेसवे एक बड़ा माइलस्टोन है उनकी राजनीति में, उनके विकास के इस पूरे दौड़ में, क्योंकि इसको तैयार करने के लिए सरकार ने अपने संसाधनों का उपयोग किया, 20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत आई और जिस तरीके से 22 महीनों में इस सड़क को तैयार किया गया, ये एक बड़ी अचीवमेंट है। तो अब देखना है कि इस सड़क के माध्यम से समाजवादी पार्टी क्या उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी कर पाती है या नहीं। हाँ, ये सड़क इनके लिए कितनी स्मूथ साबित होती है ये तो वोटिंग के दिन पता चलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी अवनीश आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। तो 22 महीने के रिकॉर्ड में इस पूरे के पूरे एक्सप्रेसवे को तैयार कर दिया गया है और ये कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड का सबसे ऊपर वाला सब्जेक्ट रखना चाहेंगे अखिलेश यादव।